हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और ऊपर वाले ने बहुत राहत दी है, बारिश होने की वजह से बहुत थोड़ा ठंडा मौसम हुआ है, गर्मी कम हुई है। चलिए आज देखते हैं हम क्या बनाते हैं नाश्ते में। चलिए, क्योंकि दोस्तों अब सोमवार से सभी स्कूल जाने लग जाएंगे और हम सभी वही सोमवार से अपना समय पर सही कार्य करने की सारी जो चीज़ें हैं वो शुरुआत हो जाएगी। आज शनिवार इतवार है तो सोने दो, सभी सो रहे हैं, मैंने सारा घर का काम कर लिया है, लेकिन सोमवार से तो वही समय पर जगना है। और दोस्तों चलो बनाते हैं आज नाश्ता। नाश्ते में देखते हैं क्या बनाते हैं। मेरा तो दो डाइट, दो पराठे या चीला तो है ही रागी के, मैं रागी का चीला और पराठा तो ज़रूर बनाती हूँ। चाहे रागी का चीला ना बनाऊँ तो रागी का उत्पम बनाऊंगी या उपमा बनाऊंगी या फिर उसका हलवा बनाऊंगी। रागी का थोड़ा सा ही बनाती हूँ, कुछ ना कुछ बनाती अवश्य हूँ। चलो दोस्तों देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बनाते हैं। और देखो फ्रेंड्स, मैंने सारी साफ़ सफाई सब कर ली है। बाहर सुबह बारिश हो रही थी और अब बारिश नहीं हो रही है, अब बंद हो गई है। अब तो देखो दोस्तों धूप निकल गई है। सामने वाले अंकल जी के यहाँ पे भी पेड़ थोड़े थोड़े हिल रहे हैं, बाकी धूप निकल चुकी है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। देखिए मैंने सारा झाड़ू पोछा सब कर लिया है और अब मैं चलती हूँ और अपने किचन में काम करती हूँ। चलो दोस्तों, ये देखो मैंने ना, मैं जब नहाने गई थी तो मैंने आलू वालने रख दिए थे, इनके आलू की कचौड़ी या पराठे बनाएंगे, बेटे ने डिमांड की है। और अपने लिए हम चीला घोलते हैं रागी का। चलो दोस्तों आपको दिखाते हैं पहले, लेकिन इसकी तैयारी कर ले आके क्या बनाना है। देखो मैंने उबले आलू ले लिए हैं आलू के पराठे बनाने के लिए, और ये लहसुन ले लिया है, ये हरी मिर्च ले लिए, प्याज ले लिया है। इनको हम काटेंगे, इन आलूओं को छीलेंगे। और ये परमल है दोस्तों, मैं भूल गई थी इन्हें फ्रिज में रख के, तो इसकी भुजिया बनाऊंगी, तो दो सादा पराठे बना लूंगी तो मैं भुजिया खा लूंगी। तो दोस्तों मैं भूल गई थी, फ्रिज में लाए हुए 3 दिन हो गए। अब 3 दिन में देखो दो ये ना पीले पीले पड़ गए हैं, देखती हूँ अगर कच्चे कच्चे निकलेंगे तो बनाऊंगी, नहीं तो वरना मैं फेंक दूंगी। गलती हो गई दोस्तों, क्योंकि थोड़ा दुख होता है कि कोई चीज़ ख़राब हो जाती है। चलिए तैयारी करते हैं, इस थाली में काटते हैं अलग अलग खाने की थाली में। चलिए दोस्तों आलू छील लेते हैं, पहले ये चिपक जाएंगे आलू, नहीं बाद में छीलेंगे, पहले काटते हैं प्याज। ये प्याज काट रहे हैं हम, उसमें पराठों में भी डाल लेंगे और रागी का चीला बनाऊंगी उसमें भी डाल लूंगी, रागी के चीले में भी डाल लूंगी दोस्तों। हाय, थोड़ा गर्मी में राहत है। अब तो स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चों की हलचल हो जाएगी, स्कूल जाएंगे बच्चे, होमवर्क, बहुत सारा काम, 2 महीने की छुट्टियां यूं ही बीत गई। अब लहसुन छील लेते हैं, ये देखो लहसुन छील रही हूँ। सब सो रहे हैं घर में, मैं ही जगी हुई हूँ। भाई हमें तो घर का काम भी करना है, क्योंकि मौसम सुबह खराब था और 3 तारीख तक तो मौसम विभाग ने अलर्ट बताया है कि बारिश अधिक से अधिक होने की संभावना है, तो इसलिए कपड़े वपड़े धो के डाल दिए हैं, छत पर गई थी डाली आई हूँ जो डेली के होते हैं। अब हरी मिर्च भी काट लेते हैं, ये देखो हरी मिर्च भी काट लेते हैं।
कट गई हैं, अब आलू को छील लेते हैं। ये लाल आलू है, पहाड़ी आलू, बहुत टेस्टी होते हैं। इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है और इसकी जो है कचौड़ी बनाओ, टिक्की बनाओ और चाट बनाओ, बहुत टेस्टी लगती है। महंगे तो थोड़े आते हैं, 60 रुपए के 2 किलो हैं और अभी बीच में 70 रुपए के 2 किलो हो गए थे, लेकिन दोस्तों इसमें स्वाद है ना, मुझे चिप्सोना वगैरह कोई आलू अच्छे नहीं लगते। या तो मैं फिर 37 आलू खाती हूँ या खाती हूँ, सबसे ज़्यादा तो मैं पहली बार पहाड़ी आलू ही खाती हूँ, और सर्दियों के मौसम में जब नए आलू चलते हैं तो उन्हें खाती हूँ, वरना मैं अपना नहीं खाती। चलो दोस्तों, मैं छील लेती हूँ और उसके बाद में देखते हैं फ्रेंड्स। यस, ये देखो मैंने लहसुन भी छील लिया है, प्याज भी काट लिए, हरी मिर्च भी काट लिए और आलू भी छील लिए। चलो किचन में चलते हैं, बाकी परमल हो गए थे खराब तो वो मैंने फेंक दिए। ये देखो दोस्तों, ये रागी का आटा है, ये दिख रहा होगा आपको, देखो बारीकी दिखा देती हूँ पास से। ये रागी का आटा है और मैं 2 चीले बनाऊंगी छोटे छोटे, तो 2 चम्मच ले लेती हूँ, 2 से 4 चम्मच ले लेती हूँ। थोड़ा मोटे से बनाऊंगी तो ये मैं 4 चम्मच ले लेती हूँ, ये मैंने 4 चम्मच ले लिया। और उसके बाद में इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हल्दी को हमारे यहाँ शुभ मानते हैं, और थोड़ी सी लाल मिर्च थोड़ी सी, और मैं डालूंगी थोड़ा सा कच्चा जीरा, मुझे पसंद है कच्चा जीरा। ये है काली मिर्च पाउडर, ये थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, ज़्यादा नहीं, गर्मी है थोड़ा सा बस। उसके बाद में हरी मिर्च थोड़ी सी, 2 ही चीले बनाऊंगी अपने लिए, और थोड़ी सी प्याज, ये देखो दोस्तों थोड़ी सी प्याज और डाल लेती हूँ, ये रही प्याज। अब इसको हम पानी डाल के इसे पतला सा घोल बना लेंगे। और हाँ, मेन चीज़ तो भूल ही गए, हमारा नमक, ये रहा हमारा नमक, थोड़ा सा एक और चम्मच ले ही लेती हूँ ना, एक लेती हूँ, ये मेरा स्वाद अनुसार आप नमक डाल लेना भाई, जितना आप स्वाद अनुसार खाते हो, तेज कम जो खाते, बस यही चीज़ मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा। मैं फिर से एक बार और बता देती हूँ, मैंने रागी का आटा लिया, इसमें थोड़ा सा जीरा डाला और हींग भूल गई हूँ, हींग भी डालूंगी, थोड़ी सी हल्दी डाली जो शुभ होती है, थोड़ी लाल मिर्च, कच्चा जीरा, काली मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डाल लिया है। उसको पतला सा घोल बना लेंगे, जैसे हम पकौड़ी बनाते हैं ऐसा घोल बना लेंगे दोस्तों। देखो मेरी चाय बन गई है, चाय उबल चुकी है, इसको रख देती हूँ मैं साइड में, ये रख दी साइड में। और अब मैं ना तवा गर्म करने रखूँगी, तवा रागी का चीला बनाने के लिए। ये नमक ऊपर रख देती हूँ, इसका स्थान है, जगह है, ये मेरा गिलास, और मैं उनको श्रीमान जी को चाय दे देती हूँ, उनको चाय छलनी, ये रही छलनी में छान देती हूँ। ये देखो गर्मी से बहुत बुरा हाल है भाई, अब पहले सुबह तो ठंडा मौसम था तो ठीक था, ये दे देती हूँ इनको श्रीमान जी को चाय, थोड़ी सी और दे देती हूँ, ज्यादा मैं थोड़ा
पास। ये देखिए मैंने इनको चाय, ये देखो मैंने बोला था ना आपसे कि आप पकौड़ी जैसा पतला, और अगर डोसा बनाना हो इसी का ही तो इसे और पतला कर लो, पानी जैसा और पतला कर लो डोसा बनाना हो। ये तो मैं चीला बनाऊंगी, तो मैंने इतना गाढ़ा किया हुआ है, इसे अच्छे से मिला लिया है मैंने। ये मेरा तवा यहाँ गर्म हो गया है और मैं लेती हूँ अपना पलटा, और थोड़ा सा आप तेल को चिपट लीजिए, इस पर लगा लीजिए तेल ऑयल, बिना ऑयल का भी बनता है लेकिन तेल से थोड़ा अच्छा स्वाद आ जाता है, बिना बिना उसके भी बनता है ये तेल के। तो अंदाजे से हम डाल देते हैं, ये देखो ये डाल दिए, एक थाली पे रख देते सन ना जाए, और ये देखो इसको फैला देते हैं ऐसे करके, चम्मच से हम इसको फैलाएंगे। ये देखो आप इसको पतला पतला कर लें, फैला लें इसको, ये देखो मैंने फैला लिया है ठीक। ये थोड़ा मैंने गलत जगह रख दी थी, ये उठा करके अपना इसको यहाँ रखती हूँ सीधे हाथ पे। अब ये मेरा बन रहा है, और इसके ऊपर से तेज़ गैस है थोड़ी सी, देखो तेज़ गैस की हुई है, ये मैं इसके ऊपर से डाल देती हूँ थोड़ा सा हल्का सा। तो ये अब इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं, इसको बनने देते हैं। अगर आप इसको ढकना चाहो तो ढक भी सकते हो, ढक करके भी बना सकते हो, और नहीं ढकना चाहते तो मत ढकिए। देखिए ऐसे, अगर ढकना चाहो तो ऐसे ढक दो, लेकिन मैं तो नहीं ढक रही, मुझे तो खुला क्रिस्पी जितना करारा बनेगा मुझे उतना अच्छा लगेगा, वो आपकी मर्जी आपको कैसा बना। चलिए ये देखो हम पलटते हैं इसको, देखो कितनी आसानी से पलट रहा है। ये तो मेरा रोज का तवा है दोस्तों, ये देखो क्या प्यारा कलर है, और सबसे ज़्यादा ये बहुत पौष्टिक है, रागी जो भी बोलो। ये एक और बन जाएगा, ये देखो अब मैं इसे फिर से एक बार पलट देती हूँ, दूसरी साइड दिखाती हूँ, देखो कितना प्यारा सिका है। इसे करारा करना है तो आप इसे दबा दबा के जैसे बनाना चाहो आप बना लीजिए, नरम खाना चाहो, जिनके मुंह में दांत नहीं है वो भैया नरम भी बना सकता है, उसे एक बार पलचो और बनाओ, जिनके मुंह में दांत नहीं है। ये देखो मेरा कैसे वो हो गया, चलो कोई नहीं दोस्तों सिक तो गया ही है, इसको यहाँ रख देती हूँ, इसको भी यहाँ रख देती हूँ, और गैस कर देती हूँ मंदी, बिल्कुल मंदी गैस कर देती हूँ, बहुत तेज है भी। लगाती हूँ तेल, और तेल लगाने के बाद में थोड़ा अलग कर लेती हूँ इसको, और सारा पेस्ट डाल देती हूँ, ये पकता रहेगा मंदी मंदी गैस पे बनाती रहूँगी इसको। ये मैंने तक ये चम्मच से इसको फैला दो, बड़ा करना है बड़ा, गाढ़ा पतला करना है पतला, नर देखो जिनके मुंह में दांत नहीं है वो सिर्फ एक बार जैसे हम रोटी पलटते हैं ऐसे ही इसको पलट के बनाना है, जिनके बेचारे को मुंह में दांत नहीं, और जो क्रिस्पी खाना चाहता है करारा खाना चाहता है अब वो उसे इसे मंदी गैस पे कर दो, जब तक अपना कुछ और काम करो तब तक ये पकता रहेगा। चलो दोस्तों देखो बन गया मेरा चीला, खाते हैं इसको पहले, और चाय के साथ में मैं चाय भी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको। पलटते हैं, ये दूसरे वाला चीला है, ये देखते हैं क्रिस्पी बनाया है, ये देखो कैसे बनता है। हाँ इसका एक और तरीका है दोस्तों, जैसे हम बाजरे मक्के की रोटी बनाते हैं हम ऐसे भी बना सकते हैं इसको, बाजरे मक्के की रोटी जैसे बनाते हैं, इसे अब डाल दो और मंदी कर दो गैस, अब ये पकता रहेगा, और अब हम चलते हैं खाने। गरम चीला जिस दोस्तों, लो सॉस से चीला खा लो आप सभी, और चाय भी पी लो और खा लो। ये रागी का है, बहुत हेल्दी है, आप मक्के बाजरे की तरह भी बना सकते हो।
कॉफी बनाओ। खाओ जी पराठा। अभी खाते हैं जी। देखो दोस्तों, ये यमुना जी का पुल है यहाँ पे, मतलब यमुना जी वाला रोड है ये। और ये देखो पेड़ ग्रीन ग्रीन कितने अच्छे लग रहे हैं, हरे हरे पेड़। ये देखो बहुत अच्छे लग रहे हैं हरे हरे पेड़। वो सामने आईटीओ की बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी हल्की सी। ये देखो यमुना जी का जाएगा लाल किले के लिए, लाल किले की रोड जाएगा। हरा हरा पेड़ देखो,